ए बंद करो जी, एक्टिव मास, हेडिंग डालो एक्टिव मास। तो लिखिए मास विच इज एक्टिव, दैट इज फर्स्ट पार्टिसिपेट इन, दैट इज फर्स्ट पार्टिसिपेट इन एनी रिएक्शन इज नोन एज एक्टिव मास। And it is represented by, and it is represented by square bracket. तो स्क्वायर ब्रैकेट ए अगर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक्टिव मास ऑफ ए, इसका मतलब हुआ एक्टिव मास ऑफ ए। तो एक्टिव मास आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई कुकर खरीद के आता है ना, तो कुकर एक आधा 1 केजी का होता है, ठीक। लेकिन कुकर क्या हो जाता है, उसका जो चमक रहा होता है उस दिन खाना बनाते बनाते वो डल पड़ जाता है उसका कलर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कुकर होता है आपका, अगर ये आपका कुकर है सपोज, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है ये सीटी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हैंडल रहेगा है ना, ये पकड़ने वाला रहता है अगर बड़ा वाला कुकर है तो होता क्या है कि ये जो पॉलिश रहता है साफ चमक रहा होता है ना, वो डल पड़ जाता है। डल पड़ने का मतलब कि अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि ये 1 केजी का कुकर है, इसका मतलब 1 केजी एल्यूमिनियम है, 1 केजी एल्यूमिनियम है ना। अब जो एल्यूमिनियम है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, एल्यूमिनियम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, Al2O3, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो ऑक्साइड बन जाने की वजह से क्या होता है, ये डल कलर दिखने लगता है ना, नहीं ब्लैक नहीं, कलर डल हो जाता है, शाइनिंग अपियरेंस उसकी क्या हो जाती है, चली जाती है। अब यहां पे गौर करने वाली ये बात है कि क्या ये पूरा का पूरा 1 केजी एल्यूमिनियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन से? आंसर है नहीं, सिर्फ जो आउटर लेयर थी किसकी, जो आपके पास ये कुकर है इसमें जो आउटर लेयर है सिर्फ वही एक्टिवली रिएक्ट करी, लेकिन अंदर वाली जो लेयर थी वो प्रोटेक्टेड है, वो एयर के कांटेक्ट में नहीं है। इसका मतलब एक्टिव मास अगर हम यहां पे बात करें तो एक्टिव मास कभी भी हम 1 केजी नहीं लेंगे, ये बात समझ में आए ना। इसी तरह से बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि हाइड्रोजन क्लोराइड सॉरी H2SO4 ले ले, तो सल्फ्यूरिक एसिड अगर टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड सपोज यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि अगर कुछ जिंक के टुकड़े डाल दें है ना, इतना बड़ा जिंक के बड़े बड़े टुकड़े करके इसमें डाल दें, तो जब जिंक के टुकड़े डालेंगे यहाँ पे तो पूरा का पूरा जिंक तो रिएक्ट करने वाला है नहीं एसिड से, क्योंकि एसिड के जो कांटेक्ट में होगा वो कौन होगा, सिर्फ इस जिंक का आउटर लेयर होगा। इसका मतलब इस मास का पूरा टुकड़ा एक्टिव नहीं है रिएक्शन के लिए, सिर्फ आउटर कोटिंग एक्टिव है, जितनी भी हो वो अलग की बात है। लेकिन अगर हम इसका पाउडर बना दें, जिसे कहते हैं ग्रेनुएटेड जिंक है ना, पाउडर बना के डालें, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, कांटेक्ट में आएगा सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट, मतलब एक्टिव मास आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। इसका मतलब एक्टिव मास उसी मास को कहा जाएगा जो एक्टिवली रिएक्शन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे यहां पूरा एल्यूमिनियम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था रिएक्शन में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करने में सिर्फ आउटर कोटिंग कर रही थी, तो यहां पे एक्टिव मास
वन केजी ना लेके सिर्फ आउटर लेयर का जो भी मास होगा, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी वो एक्टिव मास है। यहाँ पे हमने कहा कि जब आपने ये इतना टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा आपने जिंक का डाला है, पूरा मास एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अंदर के सेफ है, ये बात समझ में है ना। इसका मतलब कि अगर इसको आप पाउडर बना देते और पूरा डालते तो एक्टिव मास आपने बढ़ा दिया, सरफेस एरिया बढ़ गया आपका, है ना। तो एक्टिव मास का सिंपल मतलब होता है कि जो भी रिएक्टेंट है उसका जो भी पार्ट एक्टिवली रिएक्शन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो जनरली हम लोग को इतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, हमें दिया जाता है कि स्पेसीज का कितना मोलर कंसंट्रेशन है ना, जो मोलरिटी दी जाती है थ्योरेटिकली हम उसी को क्या ले लेते हैं, एक्टिव मास ले लेते हैं। तो दो तरह से हम लोग बात करेंगे कि जो आपका एक्टिव मास होगा वो या तो मोलर कंसंट्रेशन लिया जाएगा या फिर वो पार्शियल प्रेशर लिया जाएगा। लेकिन पार्शियल प्रेशर कब लेंगे हम लोग, जब वो प्योर गैस होगा रिएक्टेंट, जैसे नाइट्रोजन हो गया, तब हम उसके मोलर कंसंट्रेशन की भी बात कर सकते हैं और उसके पार्शियल प्रेशर की भी बात कर सकते हैं, ये बात समझ में है ना। तो दोनों ही एक्टिव मास की जगह पे क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, ये बात समझ में आ गया ना, ठीक है। क्योंकि जो एक्टिव मास है या मोलर कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर होता है। तो आई थिंक एक्टिव मास क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब लिखिए, एक्टिव मास, हेलो, ठीक है। तो एक्टिव मास हो गया, हम लोग कहते हैं कि दैट इज मोलर कंसंट्रेशन, क्या लिया जाता है, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका मतलब मोलरिटी, मोलरिटी, ठीक है। तो जो मोलरिटी होगी वही एक्टिव मास का काम करेगी, ठीक। अब दूसरी बात देखिए, जो एक्टिव मास होता है दैट मींस मोलर कंसंट्रेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर होता है ना। अब पार्शियल प्रेशर का क्या मतलब होता है पहले ये समझिए। हम लोग जानते हैं कि ये अर्थ है ना, और अर्थ के अराउंड में, ठीक है, एक एटमॉस्फियर जनरेटेड है, बहुत सारी गैसेस है यहाँ पे, बहुत सारी गैसेस है। अब यहाँ पे कौन कौन सी गैस है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है ना, सिग्निफिकेंट, जिसका परसेंटेज कितना होता है, 78% होता है, ठीक है। और आपका ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, इसका कितना परसेंट, 21%। बाकी 1% में बाकी गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, H2S होगी, बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन मेजर जो कंपोनेंट्स हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, तो 1 atm जो होता है ये टोटल प्रेशर होता है ना, 1 atm आपका टोटल प्रेशर हो गया। इसमें कौन कौन कंट्रीब्यूटर होगा, जो नाइट्रोजन का भी प्रेशर कुछ होगा और साथ में ऑक्सीजन का भी प्रेशर होगा, तो दैट इज कॉल्ड, ये मान लीजिए हमने मान लिया कि 0.9 atm इसका प्रेशर है, एक एग्जांपल बस सेट कर रहे हैं, और इसका हमने मान लिया 0.1 atm है, तब जाके मिला के ये दोनों प्रेशर मिला के तो 1 atm हुआ है। इसका मतलब कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, जो इसका पार्ट है, फ्रैक्शन है, ये पूरा 1 atm नहीं है, तो पूरा जो टोटल प्रेशर है वो 1 atm है। तो टोटल प्रेशर का मतलब कंटेनर में जितनी भी गैसेस हैं सब कुछ ना कुछ प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही होंगी, तो जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा वही क्या कहा जाता है, पार्शियल प्रेशर कहा जाता है ऑफ द गैस, ये बात समझ में है ना। और जब भी हम टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो सम ऑफ द ऑल पार्शियल प्रेशर है ना, क्रिएटेड या जनरेटेड बाय द गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर। जैसे अगर हम इस एटमॉस्फेयर को कंटेनर मान रहे हैं तो यहाँ पे 2 major गैसेस हैं जिनका पार्शियल प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, अभी हम यहां से तो नहीं बताएंगे, ये बात समझ में आ गया ना, ठीक। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, तो हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी कंटेनर में वो उसके मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये बात कैसे जस्टिफाई करी जाए, तो देखिए हम लोग जानते हैं, सपोज
हमने कह दिया कि ये कंटेनर है, ये एक क्लोज कंटेनर हो गया। इस क्लोज कंटेनर में हमने कहा कि देयर आर सपोज टू काइंड ऑफ गैसेस, दो गैस है, ठीक है। यहां पे हमने मान लिया, चलिए अमोनिया का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक, या सिंपली ले लेते हैं, दो गैस है यहां पे, ए गैस है और गैस बी है, या चलिए एग्जांपल ही ले लेते हैं ताकि वो रियलिस्टिक एग्जांपल रहेगा। तो आप जानते हो एन टू प्लस एच टू गिव्स टू एन एच थ्री, पॉपुलर है ना ये आपके पास। तो हमने मान लिया कि अभी रिएक्शन हुई नहीं है और आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे भरे गए हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है कुछ और आपका हाइड्रोजन भी है, दोनों ही प्रेशर जनरेट कर रहे होंगे। इसका मतलब जो ये मरकरी लेबल है ना, जो ये मरकरी लेबल है, इसमें जो कॉलम में मरकरी कॉलम में डिफरेंस आ रहा है, ये दोनों ही प्रेशर जनरेट कर रहे हैं ना। मान लीजिए यहाँ पे ये मरकरी है, यहां तक, यहाँ पे और यहाँ पे, यहां तक मरकरी चढ़ गई है, ठीक है। तो ये पूरा मरकरी भरी हुई है ये वाला, ठीक है। तो दैट इज मरकरी कॉलम में डिफरेंस है, ये लोअर हाइट होगा, ये अपर हाइट। तो ये जो हाइट का डिफरेंस आ रहा है, ये बिकॉज ऑफ यहां जो गैसेस हैं वो यहां पे क्या कर रही हैं, प्रेशर जनरेट कर रही हैं, इक्वली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड हर जगह पे प्रेशर। तो ये प्रेशर जितना जनरेट करे, ये मान लीजिए एच प्रेशर है, सॉरी एच हाइट का प्रेशर है, ये बात समझ में आया ना। तो दैट प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू, ठीक है, पी इक्वल्स टू क्या होता है, एच है ना, डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे मरकरी भरी रहती है तो मरकरी एच जी इंटू ग्रेविटी की वैल्यू, हाइट जो भी ये हाइट डिफरेंस होगा या इनमें डिफरेंस, तो ये हम प्रेशर काउंट कर सकते। मान लीजिए यहाँ पे गैसेस अगर निकाल लें हम लोग, एकदम गैस ना रहे, तो ये लेवल क्या हो जाएगा, बराबर एच जीरो हो जाएगा, देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस, या प्रेशर डिफरेंस नहीं होगा। तो हम लोग ने कहा कि इस कंटेनर में जो ये प्रेशर पी हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, क्या ये पार्शियल प्रेशर है, आंसर है नहीं, ये तो टोटल प्रेशर होगा, है ना। जिनमें कौन कौन कंट्रीब्यूटर है, नाइट्रोजन का भी प्रेशर होगा, दैट इज पी एन टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, और इसमें क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन भी होगा, दोनों का प्रेशर मिला के होगा ये वाला जो प्रेशर आपको फॉर्मूले में दिख रहा है। अब हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी भी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, पी भी इक्वल्स टू एन आर टी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर P प्रेशर है किसी गैस का और उस किसी वॉल्यूम V में है, तो जो भी यहाँ पे गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो इसके लिए वॉल्यूम क्या स्पेसिफाई किया जाएगा, इस कंटेनर में है, तो इस कंटेनर का वॉल्यूम ही उस गैस का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या होगा, वो उसी कंटेनर में है, तो हाइड्रोजन का भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसी कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा। तो दोनों सेम कंटेनर में है, तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि अगर P हम देखना चाहते हैं, तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, N बाई वी आर और T हो गया। N बाई वी नंबर, अगर हम इसे सॉल्यूशन मानते हैं, सॉल्यूशन ये कैसा सॉल्यूशन है, गैस इन गैस, ठीक है। तो अगर ये सॉल्यूशन है, तो हम कहेंगे कि N बाई वी दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, इसका मतलब ये मोलरिटी हो गई, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये मोलरिटी हो गई। तो अगर हम बात करना चाहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ किसके, नाइट्रोजन की, N2 की, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, N2 के मोल अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है, इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। इसी तरह से जो आपका पार्शियल प्रेशर, किसकी बात करें हम लोग, हाइड्रोजन की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वॉल्यूम, वो सेम कंटेनर का वॉल्यूम होगा, आर इंटू टी हो जाएगा। तो यहां से साफ दिख रहा है कि ये वाला पार्ट दोनों के लिए क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। इसका मतलब कि, या यूं कह लीजिए कि ये मोलरिटी है, ये क्या है, मोलरिटी है ना। तो जो मोलरिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पार्शियल प्रेशर है, क्योंकि R और T कांस्टेंट रहने हैं एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर गया, तो जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो तो कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब R तो वैसे ही गैस कांस्टेंट होता है, T भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि जो पार्शियल प्रेशर है, इसको तो लिखा जा सकता है C,
मतलब मोलर कंसंट्रेशन इंटू आर इंटू टी, लेकिन ये आर इंटू टी कॉन्स्टेंट है तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन सी हो गया। इसका मतलब कि अगर मोलर कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हाफ करते हैं तो ये भी हाफ हो जाएगा। तो यही हम लोग बात कर रहे थे कि मोलरिटी, ठीक है। तो जो भी आप एक्सप्रेशन लिखते हो, इसका मतलब कि पार्शियल प्रेशर को हम क्या यूज कर सकते हैं एज ए एक्टिव मास। तो एक्टिव मास के क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहां पे लिख देंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, मोलर कंसंट्रेशन दैट मीन्स एक्टिव मास। तो नोट कर लीजिए। लिखिए व्हेनेवर आइदर सॉलिड और लिक्विड और बोथ अपीयर्स विथ गैस देन दियर एक्टिव मास विल रिमेन कॉन्स्टेंट एंड टेकन एज यूनिटी। Hence they are not appear in expression of equilibrium constant। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द एक्टिव मास ऑफ N2 इन 10 लीटर ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो देखिए हमने कहा कि कोई भी गैस है उसका अपना कोई वॉल्यूम तो होगा नहीं, जिस कंटेनर में होगी ये उसी के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे मोलरिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 लीटर क्या है आपका वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम है, और नाइट्रोजन कितना दिया गया है। कैलकुलेट द एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द एक्टिव मास ऑफ 2.8 ग्राम, है ना, 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। कैलकुलेट द एक्टिव मास ऑफ 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, हाँ, इन 10 लीटर ऑफ था ना कंटेनर। दूसरा लिखिए, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन 20 लीटर ऑफ कंटेनर, 20 लीटर ऑफ कंटेनर, 16 ग्राम ऑफ O2 इन 20 लीटर ऑफ कंटेनर। तो पहले केस में एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब मोलरिटी बताना है, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना ग्राम दिया है, 2.8 ग्राम, है ना, और मास
वेट इन ग्राम है और ये मॉलिक्यूल है, तो कैसे डिवाइड करेंगे? RMM रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और नाइट्रोजन का कितना होता है? 28 होता है ना, 14 into 2। ये मोल्स हो गया किसके? नाइट्रोजन के, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और वॉल्यूम कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही इसका वॉल्यूम हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 10 लीटर दिया ही है, तो इतना मोल और नीचे क्या हो गया? लीटर, मोल पर लीटर, मोलरिटी। तो ये 0.1 आएगा है ना, और ये एक और पॉइंट बढ़ा देगा, तो 0.01 मोलर कह ले। तो ये हो गया एक्टिव मास या मोलरिटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7, मास नंबर 14 होता है, तो हमें मास चाहिए। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का क्या मतलब हुआ? देयर आर टू एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब क्या हुआ? 2 into 1 का मास कितना है? 14 है, तो 28 हो गया। तो दैट इज द, अगर एक मोल होगा तो 28 ग्राम हो जाएगा। लिखिए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो पहला लिखिए, व्हेनेवर व्हेनेवर एक्टिव मास ऑफ कंपोनेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, whenever active mass is expressed in term of concentration, the equilibrium constant, the equilibrium constant KEQ is written as a KC, जहां K का क्या मतलब है? कांस्टेंट है, और C का मतलब कंसंट्रेशन है। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट लिखिए सेकेंड, when active mass is expressed in term of partial pressure, then equilibrium constant is termed as KP. K for क्या हो गया? Constant हो गया है ना, equilibrium constant से, और P क्या है? Partial pressure, partial pressure. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में दो ही पढ़ते हैं, केपी और केसी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक सिंगल रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो N2 plus 3H2, ये भी गैसियस होगा, और गिब्स, ठीक है, दोनों तरफ रिएक्शन चलेगी, तो 2NH3 प्रोडक्ट हो गया, ये भी गैसियस फेज में होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग या तो कंसंट्रेशन के टर्म में बात कर ले, मतलब केसी की बात कर ले, तो अगर केसी की एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, केसी इसका मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट मींस अमोनिया, और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो पावर में चला जाएगा, होल अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट,
है ना, एन टू मास। और क्या हो जाएगा, यहाँ एक्टिव मास मोलर कंसेंट्रेशन हो जाएगा और यहाँ पावर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, तो दैट इज केसी हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि ये हमारा कंटेनर है और कंटेनर में क्या है, दोनों चीज तीनों चीजें हैं, तीनों कंपोनेंट है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और अमोनिया भी है ना, तो तीनों ही पार्शियल प्रेशर जनरेट कर रहे होंगे। तो अगर बात हम यहाँ पे करें कि मरकरी कॉलम जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा, उसका हाइट जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा होगा, वो किसी एक गैस की वजह से नहीं होगा, ये टोटल प्रेशर को बता रहा होगा। तो जो भी डिफरेंस ये आ रहा है, ये टोटल टोटल प्रेशर में सारे के पार्शियल प्रेशर कंट्रीब्यूटेड होंगे, चाहे वो अमोनिया हो जाए, एन टू हो जाए या फिर एस टू हो जाए। तो अगर हम केपी की एक्सप्रेशन लिखें, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर, अब ये ध्यान रहे जब भी केपी लिखेंगे तो सिर्फ गैसियस कंपोनेंट्स आएंगे, चाहे प्रोडक्ट साइड के हों चाहे रिएक्टेंट। ये हो सकता है कि आपके रिएक्शन में लिक्विड और सॉलिड भी हो, वो यहाँ पे नहीं आएगा, है ना, क्योंकि वो कोई भी उसका पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि वेपर फेज में आएगा नहीं, वो जब उसके वेपर नहीं है तो प्रेशर जनरेट नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ गैसियस कंपोनेंट लेने हैं, तो प्रोडक्ट का गैसियस कंपोनेंट मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ एन एस थ्री का पावर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू और पार्शियल प्रेशर ऑफ एस टू की पावर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, तो दैट इज केपी, है ना। ये दोनों एक्सप्रेशन बड़े आराम से लिख लेंगे। अब तीसरी बात आती है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ठीक है, तो अगर हम इनको रिलेट करें कि कैसे हम लोग इनको देखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका पीवी इक्वल्स टू क्या होता था, एनआरटी होता है, तो यहां से बी से डिवाइड कर दे, एन बाई सी, पी एन बाई सी, ये क्या होता था, मोलरिटी होता था, एन बाई बी सॉरी मोलरिटी होता था, या मोलर कंसंट्रेशन है, सी से डिनोट करते हैं इसको, तो सी आर टी लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे अगर पी की बात करें हम, पार्शियल प्रेशर जब हम एन एस थ्री की बात करेंगे, है ना, तो तीन बातें यहां पे करनी पड़ेंगी, हम इधर मिटा रहे हैं ना, तो तीनों कंपोनेंट के हम पार्शियल प्रेशर उनके मोलर कंसंट्रेशन में रिलेशन देख ले रहे हैं। तो हमने कहा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है, पहला ऊपर NH3 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ NH3 हो गया, और R इंटू क्या है, T है, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है, किसका देखना है, N2 का देखना है, तो क्या हो जाएगा, N2 का कंसंट्रेशन और R इंटू क्या हो गया, T हो गया, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका देखना है, S2 का देखना है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ S2 इंटू R इंटू क्या हो गया, T। अब ये तीनों एक्सप्रेशन हम यहाँ पे KP वाले में प्लेस कर दे, है ना, तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स KP अपडेट हो जाएगा, क्या रख के, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3, है ना, और क्या है ऊपर, स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर और R और T का भी साथ में रख ले, इसका स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन टू एन टू और आर इन टू टी, ये आ गया, और फिर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, एच टू, एच टू का क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एच टू और आर टी, तो इसका क्यूब लिख दिया और आर टी का भी साथ में लिख दिया, आर टी को एज ए एक यूनिट मान रहे हैं, ये भी क्या हो गया, क्यूब हो गया, है ना। तो अब ये बताओ कि अगर हम इसको किसको हम इसको, है ना, और N2 का मोलर कंसंट्रेशन और S2 के मोलर कंसंट्रेशन क्यूब साथ में कर लें, तो उसे केसी लिख सकते हैं, वही तो केसी है, है ना, और RT की पावर क्या बच जाएगी, RT की पावर 2 यहां है और ये 1 पावर है यहां पे और यहाँ पे तीन है, तो नीचे चार पावर हो गई RT की, ऊपर RT की पावर 2 हो गई, तो फाइनली क्या आ गई, माइनस 2। तो दैट इज अ रिलेशन बिटवीन KP एंड KC फॉर दिस रिएक्शन। ये बात समझ में आए ना, ठीक है। एक बात और ध्यान दे लीजिए पहले, फिर नोट करिए। देखिए, ये जो आया है इन जनरल, जो ये रिलेशन होता है KP इक्वल टू KC और RT की पावर
डेल्टा एन होता है और डेल्टा एन गैसियस होता है। मतलब डेल्टा एन गैसियस का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एन गैसियस का मतलब हुआ, डेल्टा एनजी का मतलब हुआ कि प्रोडक्ट जो डेल्टा एनजी के जो एनजी है किसका, एनजी किसका प्रोडक्ट का, माइनस जो गैसियस मोल्स हैं किसके, रिएक्टेंट के। ये बात समझ में आ गया ना, ये होता है। अब यहां देख लीजिए प्रोडक्ट में कितना है मोल, दो मोल है, दो मोल है प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब ये क्या है, टू है। और माइनस रिएक्टेंट में देख लीजिए वन और प्लस थ्री कितना आ गया, फोर आ गया, मतलब टू माइनस फोर कितना आ गया, माइनस का टू जो यहां अपीयर हो रहा है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, इसका और भी डेरिवेशन हम करा देंगे लेकिन ये सिंपल रिलेशन है, इसी पे चलेगा। देखो इधर, चलो देखो, तो ये हमारे पास जनरल हमने रिएक्शन लिख दिया। और देखिए यहाँ पे अभी हमने कंपोनेंट्स बताया नहीं है, कौन सॉलिड लिक्विड गैस, अभी हम मान के चल रहे हैं कि जब भी हमें डेरिवेशन बोर्ड में आएगा या एग्जाम में करने के लिए, एनुअल एग्जाम में करने के लिए आएगा, तो हम मान लेंगे कि सब गैसियस है। मतलब ए भी गैसियस फेज में है, बी भी गैसियस फेज में है, सी भी गैसियस फेज में है, और डी भी गैसियस फेज में है। तो हम लोग बात करेंगे कि पहले हम केसी लिख लें, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, सी का कंसंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी, डी का कंसंट्रेशन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर ए, और बी की पावर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दैट इज द मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। अब केपी लिखेंगे तो दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो फिर प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर, मतलब सी का पार्शियल प्रेशर की पावर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर स्मॉल डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, ए की पावर स्मॉल ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल बी हो जाएगा। ये दूसरा हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, हम लोग जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर, आप क्या करोगे पहले, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी भी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। इसका मतलब पी इक्वल्स टू एन बाई वी आरटी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एन बाई वी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसका मतलब ये मोलर कंसंट्रेशन मोलरिटी हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे कंसंट्रेशन सी से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो दैट इज सी, ठीक है, कंसंट्रेशन आर इंटू टी हो गया। इसका मतलब कि जितने भी कंपोनेंट्स है, जैसे अगर हम बात करें सी कंपोनेंट की, तो सी का जो पार्शियल प्रेशर पी सी होगा वो क्या लिखा जा सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ सी, तो सी का कंसंट्रेशन और क्या हो जाएगा, आर इंटू टी हो जाएगा। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या लिखेंगे हम, डी का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डी क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी और आर इंटू टी हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो दैट इज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, हाँ, ए आर इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बी का भी हो जाएगा, है ना, ऐसे कम समझ में कम आ रहा है लेकिन ऐसे समझ आ रहा है, ठीक है, आर इंटू टी हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यू हम केपी वाले एक्सप्रेशन को प्रोसीड करेंगे, आगे अपडेट करेंगे, है ना, केसी को नहीं करेंगे। तो केपी को जब आप अपडेट करोगे फिर से, तो पार्शियल प्रेशर को आप एलिमिनेट करो, रिप्लेस करो, तो इसकी पावर क्या आ जाएगा, सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी आर टी, है ना, की पावर क्या हो गया, होल पावर सी होगा, देख रहे हैं ना, ये होल पावर सी है। तो हमने कहा कि ये सी की पावर सी और आर टी एक यूनिट हम मान ले रहे हैं, सिंगल कंपोनेंट, इसकी पावर सी हो गया। इसी तरह से डी का मोलर कंसंट्रेशन, मतलब डी का मोलर कंसंट्रेशन और आर टी, तो क्या हो जाएगा, डी की पावर और आर टी की पावर भी क्या हो गया, डी हो गया, अपॉन क्या हो गया आपका, ए का मोलर कंसंट्रेशन पावर ए, और आर टी की पावर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी
और आर टी की पावर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, इसका मतलब कि हम ये वाला, ये वाला, ये और ये एक ब्रैकेट में कर लेंगे, अब वो क्या बन जाएगा, केसी बन जाएगा, दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा। और आर टी की पावर देखिए क्या आ रहा है, आर टी की पावर पहले तो बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, सी प्लस डी हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए और माइनस बी, तो माइनस कॉमन कर ले तो ब्रैकेट में ए प्लस क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, है ना, यही डेल्टा एनजी लिख देते हैं। तो दैट मीन्स के सी इक्वल्स टू आर टी की पावर डेल्टा एन, ये बात समझ में आया ना, ये के पी इक्वल्स टू हो गया। दैट मीन्स यहां से आप कह सकते हो वेयर जो डेल्टा एन हो गया, वेयर डेल्टा एन जो हो गया वो सी प्लस डी माइनस ए प्लस क्या हो गया, बी हो गया। सी प्लस डी का मतलब क्या हुआ कि गैसियस मोल्स है, है ना, सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ किसके हैं, प्रोडक्ट के हैं, प्रोडक्ट पी लिख दे रहे हैं, माइनस सम ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, तो यहां आर लिख दे रहे हैं। ठीक, तो ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला वाला देखो, तो यूनिट ऑफ केसी एंड केपी, तो हमारे पास इस रिएक्शन के लिए केसी की एक्सप्रेशन लिखी गई है, और हमें पता है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, है ना, ये कंसंट्रेशन अभी हम मान के चले कंसंट्रेशन। इसका मतलब कि अगर यूनिट ऑफ केसी बात करें, यूनिट ऑफ केसी बात करें, इसका मतलब यूनिट ऑफ सी की पावर सी, और सी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन मोलरिटी हो जाएगा, मोल पर लीटर। तो आप क्या लिखोगे, मोल पर लीटर की पावर क्या हो गया, सी हो गया, और इसके लिए क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर डी हो गया, तो मोल पर लीटर की पावर डी हो गया अपॉन स्मॉल डी, है ना, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर ए हो जाएगा, और मोल पर लीटर की पावर क्या हो गया, बी हो गया। तो अब देखो फाइनल अगर हम लोग बात करें तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर ये सम हो जाएगा सी प्लस डी, और माइनस क्या हो जाएगा, बोलो, ए प्लस बी हो जाएगा। ये बात समझ में आया ना, तो ये एबीसीडी के हिसाब से बात कर लेंगे हम लोग। एक तरह से ये डेल्टा एन है, मोल पर लीटर की पावर क्या लिखेंगे, डेल्टा एन। ये बात समझ में आया ना, डेल्टा एन क्या हो गया, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, हाँ, तो डेल्टा एन हो गया मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नोट डालो पहले, तो देखिए यूनिट ऑफ केपी, तो यूनिट ऑफ केपी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, केपी की एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो यूनिट ऑफ केपी, यूनिट ऑफ केपी, तो आप ये कहोगे दैट इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ पीसी की पावर सी। अब जो ये पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ, तो जो भी प्रेशर है वो एटीएम में मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, एटीएम मतलब यहां पे क्या, एटीएम की पावर सी हो जाएगा, क्या लिखेंगे, एटीएम की पावर सी इंटू एटीएम की पावर डी हो जाएगा अपॉन एटीएम की पावर ए हो जाएगा, और इंटू एटीएम की पावर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो फाइनली क्या आने वाला, और ये ध्यान रहे कि ये तभी हम कहेंगे जब सब गैसियस हो, तो इस एक्सप्रेशन में, है ना, और एक बात और ध्यान रहना चाहिए कि केपी की बात तभी करी जाएगी जब एटलीस्ट एक या तो रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में हो या तो प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हो, कोई एक ना एक कंपोनेंट रहना चाहिए किसमें, गैसियस फॉर्म में। अगर कोई भी गैसियस फॉर्म में नहीं है
सपोज कोई भी रिएक्शन ऐसी है जिसमें सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व है सिर्फ, या सिर्फ सॉलिड इन्वॉल्व है या सिर्फ लिक्विड इन्वॉल्व है, वहां केपी की बात नहीं करी जाएगी, केपी डिफाइंड होगा ही नहीं। ये बस समझ में आया ना? तो केपी की बात कंडीशनल है, कंपोनेंट एटलीस्ट वन कंपोनेंट आइदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड क्या होना चाहिए, गैसियस फेज में होना चाहिए, तभी हम बात करेंगे। तो ये हो जाएगा एटीएम की पावर, क्या हो जाएगा, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो यहां पे बस एक ध्यान रहे कि एटीएम की पावर डेल्टा एन न लिख के हम लोग डेल्टा एन जी लिखेंगे, है ना, क्योंकि सिर्फ गैसियस को इंटरटेन करेंगे यहां पे। तो डेल्टा वेयर डेल्टा एन जी जो हो जाएगा, वेयर डेल्टा जो एन जी हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये होगा।